एप्लीकेशन बता दो, कोई कोई एक आरोप भी बता दो, मतलब तुम्हारे लिए कोविड प्रोटोकॉल आरोप है ना, टोटी चोरी का आरोप तो है, सब लोग कहते हैं कि टोटी चुराते हैं। ये सारी अखिलेश भाई है कि दैयो पिया साइकिल की बटन दबाइयो पिया। अखिलेश यादव को यूपी की पूरी जनता मिस कर रही है, ये सारे विधायक और सारे जितने भी प्रतिनिधि सारे टूटे जा रहे हैं बीजेपी, क्या बताइए क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सेफी गांव में, जहां की अखिलेश यादव का घर है। हम आपको बता दें कि यहां के दो लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका नाम मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम इसी सिलसिले में बात करेंगे उन्हीं के गाँव के लोगों से, उनका क्या कहना है इस पर। क्या नाम है आपका? उपदेश यादव। अखिलेश यादव इस बात की दावा कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल बनेंगे, निसंदेह। उन्होंने कार्य किया है अपने गांव के बिल्कुल लिए? किया है। क्या किया है सर? सारा कुछ कार्य उन्हीं का किया हुआ, उनका और नेताजी का कार्य किया हुआ है। मैनपुरी और इटावा डिस्ट्रिक्ट में तो उन्होंने इतना कार्य किया कि आपको कहीं इतना कार्य देखने के लिए नहीं मिलेगा। 17 के बाद योगी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो क्या उन्होंने इटावा के लिए कोई काम नहीं किया? व्यवहार किया है यहाँ पे, ऐसा क्यों लगता है आपको? आप देख लीजिएगा, कोई भी उनकी सरकार में कहीं भी एक शिला पट्टिका दिखा दीजिएगा मुझे आप। तो इस बार क्या मूड लग रहा है, क्या चाहते हैं आप, किसकी सरकार आनी चाहिए? मूड ये मान लीजिएगा, यूपी की जनता पूरा मन बना चुकी है, प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ही आएगी इस बार, साइकिल दौड़ेगी, दौड़ रही है ये मान लीजिएगा। साइकिल नहीं खिलने देना, कमल तो गया, कीचड़ में गया, एकदम मूड बन गया, बिल्कुल गया। चलिए और भी लोग यहाँ मौजूद है, हम सबसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है चाचा? हमारा नाम विनोद कुमार है। अखिलेश यादव जी दावा कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, एक तरफ योगी दावा कर रहे हैं कि 10 मार्च को मैं सबको हरी झंडी दिखाऊंगा, सबकी औकात दिखा दूंगा, तो इस पर आपका क्या कहना होगा? ऐसा है, उन्होंने अखिलेश यादव ने इतना अच्छा काम किया, गरीबों के लिए 100 नंबर चलाई और 108 कहीं ये मान लीजिएगा 10 तारीख को वो दिखाई नहीं देंगे। शर्म से मुंह छुपा, हम लोग कह रहे हैं, सो तो कह रही है यहाँ की जनता कह रही है, लेकिन एक बार हम यहाँ से निकल रहे थे तो एक पत्नी दोनों यहाँ से निकल रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे, तो हम थोड़ी गाने के माध्यम से कहेंगे कि किस प्रकार से वो कह रहे थे। तो पत्नी कहने लगी अपने पति से, ए पिया हमारी बात सुन लो। कि क्या? कि सुन ली जो बात हमारे पिया दुखी होएगा वो भारत हमारे पिया। तब ने कही क्या बात है, यूपी में योगी जी ने योग रचाओ, गैयन को इनने खेतन ढिलाओ, खाई गई फसल हमारे पिया। सुन ली जो बात हमारे पिया। तब ने कही अच्छा यहाँ का बात कि तो मोदी जी आएंगे तो मोदी जी समझाएंगे, तो मोदी जी ने आए कि हमें समझाओ, मोदी जी ने आए कि हमें समझाओ, जनधन योजना में खाता खुलाओ। जनधन योजना में जब खाता खुलेगा तो 15-15 लाख रुपए आएगा आपके खाते, देखो खाता रुपया न आओ, खाई गई फसल हमारे पिया, बचो न उसमें एक पिया, अखिलेश भैये जितो पिया, साइकिल की बटन दबाइयो पिया। इस बार मूड बन गया आप लोगों का कि साइकिल दौड़ाना ही है, कमल नहीं खिलाना है। एक बात बताइए, जब योगी की 5 सालों तक कार्य रहा तो उसमें कौन कौन सी आपको चेंज देखने को मिला कि आपको लगा कि अखिलेश यादव ही सही थे, योगी सही नहीं है? अखिलेश यादव को यूपी की पूरी जनता मिस कर रही है, ये मान लीजिएगा पूरी जनता मिस कर रही है वो। इस बार क्या क्या बदलाव आएगा, क्या चुनावी मुद्दा लग रहा है आपको? चुनावी मुद्दा रोजगार है, किसानों के लिए MSP है, ये मान लीजिए किसानों के साथ कितना उत्पीड़न हुआ, आप देखिए 700 किसान मारे गए हैं, सबको मालूम है। योगी जी अपने घुटनों पर क्यों आए, ये सोचने वाली बात है। ये चुनाव नहीं होता ना यूपी का, तो ये बिल वापस नहीं होता मैडम। और आप ये मान लीजिएगा इससे भी और ताकत और मजबूत बिल लेकर के आएंगे वो। इस वजह से इनको सबक देना बहुत ज़रूरी है, जब तक इनको सबक नहीं मिलेगा ना तब तक ये ऐसा ही जनता के साथ अन्याय करते रहेंगे। 700 लोग मारे गए, उनके परिवार वालों से पूछिएगा जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को खोया, तो अब ये बताइए उसकी भरपाई कैसे करेंगे। अब गांव में क्या हो रहा है, ये जा रहे हैं, ये वर्चुअल प्रचार क्यों कर रहे हैं? वर्चुअल प्रचार करने के पीछे यही वजह है कि ये जाना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं उनको भी डर है कि इस बार मैं कूट रहे हैं, ये मान लो कूटे जा रहे हैं गाँव में जाकर के। आप देख रहे हैं रोजाना नए नए वीडियो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं?
आप ये बताइए, कोई भी सपा के कार्यकर्ता को, किसी भी आदमी को कहीं भी जनता ने मारा हो, कूटा हो, बताइए आ रहा है कि वीडियो? बीजेपी के लिए क्यों आ रहा है? जनता के अंदर आक्रोश है इनके प्रति। आक्रोश किसने दिया? आपकी गलत नीतियों की वजह से। आपकी जितनी जन विरोधी नीतियाँ रही उनकी वजह से इस तरीके का कृत्य उनके साथ हो रहा है। अब तुम जितने भी योगी के समर्थन है सब लोग यही बोल रहे हैं कि जातिवाद होता है, जब अखिलेश की सरकार आती है तो बहुत ज्यादा जातिवाद होता है, इस पर क्या कहना होगा आपका? सबसे ज्यादा अगर किसी ने झूठ बोला है, अगर पूरे भारत में अगर किसी भी व्यक्ति को देख लिया जाए, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी है। सबसे ज्यादा तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली बीजेपी है। हमारे अखिलेश भैया जी जब भी बोलते हैं तो विकास की बात करते हैं, वो गर्मी निकालने की बात करते हैं, हमारे भैया रोजगार देने की बात करते हैं, नौकरियां निकालने की बात करते हैं, भर्ती निकालेंगे हम, वो कह रहे गर्मी निकालेंगे हम। आप बताइए किसी भी पदस्थ किसी भी मुख्यमंत्री की इस तरीके की भाषा शैली हो सकती है? क्या ठोंक देंगे या गर्मी निकाल देंगे, ये कौन सा तरीका है? तुम तो गुंडा हो। तो जो मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में खुद अपने ऊपर से मुकदमे हटवाया है अखिलेश भैया के ऊपर, एक 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 एलिगेशन बता दो, कोई एक आरोप ही बता दो। मतलब तुम्हारे लिए कोविड प्रोटोकॉल आरोप है ना, टोटी चोरी का आरोप तो है, सब लोग कहते हैं कि टोटी चुराते हैं। ये सारी चीजें फालतू की हैं, इस चीजों का कोई मतलब नहीं है। ये सब बीजेपी का प्रोपोगंडा है, सब ये प्रोपोगंडा है कि किसको कैसे। और भी लोग यहाँ मौजूद है। आप हमें बता दीजिए, जो किसानों पे जो गाड़ी चढ़ाई थी उस पे क्या हुआ? और ये जो है ना पूरा मुद्दा जो है ना दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे, पर ऐसा नहीं होगा। हर व्यक्ति, किसान, मजदूर, बेरोजगार, हर व्यक्ति समझ चुका है इनकी बातों को, इनके जुमलों को। अब हम आपको बता दे रहे, उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है, अखिलेश जी की सरकार आएगी तो किसानों के हित में काम होगी? बिल्कुल होगा। एमएसपी की गारंटी, जिस तरह से कल हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद देंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश में आई, और उन्होंने जिस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में दिखाई है, उसी प्रकार की राजनीति यहाँ पे दिखाने का प्रयास एवं प्रयत्न किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, ममता बनर्जी ने बताई कि वहाँ पे इन लोगों ने किस तरीके से हिंदू मुस्लिम का वहाँ चुनाव करने का प्रयास किया, पर वहाँ उन्होंने बताया है कि किस तरह से वहाँ की जनता ने इनके मुंह पे तमाचा मारा है। और वैसा ही उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी से मैं उन किसानों को धन्यवाद देता हूँ जो पूरी 113 महीना तक डटे रहे, और जो है ना इनकी बिल्कुल इनको जो है ना एक अहम वाली जो राजनीति कर रहे थे उनको नीचे किया है। घमंड हो गया बीजेपी को इस बात का घमंड हो गया हो गया है बीजेपी को, ये अहंकार हो गया है कि जो कुछ हम करते हैं वो करके ही मानते हैं। झूठ का अहंकार है ये, मान लीजिए वो जान गए। इस बार जनता जाग चुकी है, ये मान लो समझ गई है, पोल खुल गई उनकी, ये मान लो इस बार कमल नहीं खिलने देना है। बिल्कुल ये मान लीजिएगा नहीं खिलेगा, खेले चलेगी, बिल्कुल साइकिल दौड़ेगी ये मान लीजिए। हम आपको एक विश्वास दिला दे रहे, आप तो जमीनी स्तर के पत्रकार हैं, और सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद अगर मैं देना चाहूंगा तो सबसे ज्यादा अगर कोई अगर बधाइयों के पात्र है तो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो जमीन स्तर पे जो दिखाती है, और जो बड़े स्तर पे जो है ना पैकेज लेके बैठे 200 करोड़ का, वो हम नहीं कह रहे हैं ये बात जो है ना वो आप लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके कंधों पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो चीज़ धरातल पे है वो आप दिखाएं। क्योंकि सारे विधायक और सारे जितने भी प्रतिनिधि हैं सारे कूटे जा रहे हैं बीजेपी के, आप बताइए क्यों? जनता के ऊपर जो कीलें आपने ठोकी थी रोड पर ना, वो छाती पर ठोकी है किसान की, तो उसका आक्रोश तो मिलेगा ही ना। अब फिर से आते हैं हम आपके पास, यहाँ और भी लोग जुड़ गए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? हनी यादव। एक बात बताइए, अखिलेश यादव और उनके चाचा के बीच में बहुत दिनों से आपसी अनबन चल रही थी, लेकिन अभी रिलेशन सही हो गया है, तो क्या इसका चुनाव में कुछ फायदा होने वाला है? न पहले था का ऐसा कभी और ना अभी है, ठीक है। और ये सब आपको बताएं कि आज ये प्रश्न नहीं है, आज प्रश्न है बेरोजगारी का, आज प्रश्न है कि कितना रोजगार मिला है। ये अपने बताते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर में लगा देते इतना सारा रोजगार मिल गया, कहाँ है? धरातल पे कुछ नहीं है। आप बताइए, अगर अखिलेश जी की सरकार आएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगी, बेरोजगारी कम होगी, सब कुछ मिलेगा? और ये समाजवादी लोग हैं जो एक बार बोल देते हैं वो अटूट है, ये पत्थर की लीक की तरह है, कभी कट नहीं सकता है। और जगहों पे तो लोग कह रहे हैं कि योगी की तरह कभी सरकार नहीं बनी, योगी को ही रहना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, गरीब के हित में काम कर रहा है। अखिलेश भैया ने जो व्यवहार हुआ है मैडम,
यहाँ पे सौतेला व्यवहार हुआ है। अब ये मान लीजिएगा या तो ये अध्यक्ष जी का अखिलेश जी का ये क्षेत्र है, इस वजह से ये मान लीजिएगा नेताजी का क्षेत्र है, इस वजह से बीजेपी ने यहाँ पे इस तरीके का व्यवहार किया हो, मुझे तो नहीं लगता। कहीं प्रदेश में कोई अच्छा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो आपके गांव के रहने वाले हैं तो आप लोग चाहते हैं कि हमारे गाँव का ही मुख्यमंत्री बने। हमारे अखिलेश भैया जो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं करल का रहने वाला हूँ। ये मान लीजिएगा आप मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, पूरा मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट नेताजी को ये मान लीजिएगा इतना प्यार, मुझे ये इनका घर है लेकिन हम लोग ये उनका मैनपुरी घर मानते हैं। आप पूछिए यहाँ सारे लोगों से पूछिएगा मैनपुरी। आप बताओ भैया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ के आदमी है तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा? टॉप देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री तो पूरे उत्तर प्रदेश के बनेंगे, ये तो नहीं होता है ना कि बड़े क्लोज के हैं तो बड़ा काम हो जाएगा हमारा। ये तो नहीं है कि सैफई के ही बनेंगे, वो 22 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री। इनके राज में भेदभाव तो नहीं होगी लोगों के साथ? कभी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज अभी भी जितनी बार समाजवादी सरकार बनी है उठा के देखिए, अगर किसी ने विकास किया है तो समाजवादियों ने, बाकी सब चोचले और छलावे के सिवाय कुछ नहीं हुआ है। टोटी चोर बोला जा रहा है उनको? मैडम एक बात बताइए, जब वो टोटी चोर हैं तो नखलऊ से और वो आगरा तक और एक्सप्रेस जो बना है वो किसने बनवाया? इन्होंने अगर कोई चीज़ चुराई नहीं है तो ये पैसा ले कहाँ गए? 5 साल तक का कहाँ दिखाया है? ये तो बात मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैडम, एक लॉजिक मेरा ये, मेरी एक बात सुन लीजिएगा। जब सरकार बनी थी 2017 में बीजेपी की, आपको सारे प्रदेश को पूरे देश को मालूम है कि इन्होंने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। क्यों धुलवाया था? क्योंकि अखिलेश यादव ओबीसी के नेता हैं, उनको ये लगता है ओबीसी के नेता हैं। अखिलेश यादव सर समाज के नेता हैं, आज अखिलेश किसी जात बरादरी से नहीं है उनका संबंध है, अखिलेश पूरे प्रदेश के पूरे देश के नेता हैं। ये मान लीजिए अखिलेश हमारी धरोहर हैं, तो बीजेपी का ये बताइए ये चीज़ किसको खराब नहीं लगी? मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया गया, ये चीज़ किसको खराब नहीं लगी बताइए आप? ये सिर्फ सवर्णों की पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी में आप देख लीजिएगा धनंजय सिंह को देख लीजिएगा, खुले घूम रहे हैं कि नहीं बताइए आप? और जिनके जिनके ऊपर थार चढ़ाई गई है वो टैनी अभी तक का इस्तीफा नहीं लिया बीजेपी ने, आप बताइए अहंकार नहीं है तो क्या है बताइए? अजय टैनी का इस्तीफा लिया गया, सारे पूरे देश को मालूम है कि उन्होंने थार चढ़ा दी किसानों के ऊपर, पीछे से थार चढ़ा दी। पीयूष जैन के घर जो छापामारी पड़ा था इतर वाले के घर, उसमें कहा जाता है कि उसी पैसे से अखिलेश यादव वोट खरीदने वाले थे। मीडिया पे ये चीज क्लियर हो चुकी है और सारे समाज में भी सबको मालूम है कि छापा कहाँ पड़ना था और छापा कहाँ पड़ गया, किसके यहाँ पे छापा पड़ना था, वो बीजेपी का ही आदमी निकला। गलत आरोप है उनके ऊपर, गलत आरोप है, बिल्कुल निराधार है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। के काम करेगी आप सरोजिनी नगर में देख लीजिए, सरोजिनी नगर में जिस आदमी को टिकट दिया है, जिस शख्स को राजेश्वर सिंह है, वो ईडी के रिटायर्ड, उन्होंने बीआरएस लिया है, वो बीआरएस लेने के बाद उनको सरोजिनी नगर से टिकट दिया गया। आप कन्नौज में देख लीजिएगा जो अरोड़, क्या नाम, असीम अरोड़, उनको टिकट दिया गया। आप बताइए इनको सुपर कॉप, इनका महिमा मंडन कर रहे हो आप, ये देखिए ये समाज के लिए कितना खतरनाक है कि एक बीजेपी का प्रवक्ता, मतलब बीजेपी का एक आरएसएस का आदमी एक सरकारी सर्विस में कितना जस्टिस कर सकता है, मुझे ये बताइए कितना जस्टिस कर सकता है हम लोगों के साथ बताइए आप? जो आदमी सरकारी पद पर है और वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, आप बताइए उसको तुम तुरंत टिकट दे रहे तो इसको क्या कहेंगे? ईडी और बीजेपी का गठबंधन है कि नहीं? ये बिल्कुल यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए चाचा, आपको योगी पसंद है कि नहीं है? अरे योगी क्यों पसंद हमें आएगा भाई, को भी योगी पसंद नहीं है? सौतेला व्यवहार करने वाला है योगी। क्या सौतेला व्यवहार कर दिया योगी ने? समाज सारी जनता त्राय त्राय कर रही, सौतेला व्यवहार है उसका। क्यों ऐसा क्यों कर रही है? अरे उसकी तो जो हमेशा जालिम जो है, इतना जालिम सरकार तो आज दिन तक आई ही नहीं है। तो ये बताइए चाचा, किसको देखना चाहते हैं आप, किसको देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? हमारे तो वही नेताजी हैं माननीय अखिलेश जी। अखिलेश जी को ही देखना चाहते हैं? जी जी जी। दौड़ा देना है साइकिल? दौड़ गई, अब क्या दौड़ जाएगी, दौड़ चुकी है। कमल नहीं खिलने देना? अरे कमल तो कीचड़ में चला गया, बहुत नीचे चला गया। नखलऊ तक नहीं, दिल्ली तक दौड़ने वाली है। नखलऊ की तो बात छोड़ दो, दिल्ली तक दौड़ेगी। समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी? बिल्कुल चल चुकी है, अब जो है अब वो सपने देखते रहे। योगी जी तो बोल रहे हैं की 10 मार्च के बाद गर्मी शांत कर दूंगा। अरे वो तो ऐसे ही अहम है, उन्हें अहंकार है, ऐसे अहंकार उनका तो नीचे चला गया। हाँ अखिलेश जी को कोई रोक नहीं रहा है, अखिलेश जी तो जो है बन चुके हैं यूपी के मुख्यमंत्री, बन गए एकदम बिल्कुल जो है 10 तारीख को, अब उसके बाद में आप देख लेना। और जो लोग अब सरकार जो है कभी आएंगे 10 सीटों पे, जो अहम की बात करते हैं, जो गर्मी की बात करते हैं, हमारे जो अखिलेश भैया जी हैं वो लैपटॉप देंगे,
हर एक त्यौहार पे सिलेंडर देंगे फ्री में। और जो जो ये राशन की जो व्यवस्था हुई है, भाई साहब ने कहा है कि पूरे 5 साल तक सभी को मुफ्त राशन देने का प्रावधान किया। ये बताइए, जिस तरीके से आपने कहा कि लैपटॉप दिया जाएगा, नौकरियां देने का वादा किया, हम गर्मी निकालने की बात नहीं करते हैं, हम रोजगार देने की बात करते हैं। हम एक सवाल का मेरा भी जवाब दीजिए, जिस तरह से आपने कहा कि छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा, कहीं चुनावी चोचला तो नहीं है ये सब कि चुनाव का टाइम है तो दिया जाएगा इससे पहले? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया, इससे ज्यादा अच्छा प्रश्न हो ही नहीं सकता। जैसे कि बीजेपी ने कहा था कि हम लैपटॉप देंगे, उसने तो घोषणा पत्र में अपने रखा था, उसने आज तक क्या दिया? टैबलेट देके जो है ना कुछ नहीं दिया। अब हमारे अखिलेश भैया ने 2012 से लेके 17 तक लैपटॉप का कहीं नाम भी नहीं था, फिर भी हमारे अखिलेश भैया ने लैपटॉप दिया। रोजगार भत्ता का कहीं नाम नहीं था, रोजगार भत्ता दिया। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम एक बहुत छोटे क्षेत्र के हैं व्यक्ति, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे अखिलेश भैया ने जो भी वादा किया है 100% सही एवं सत्य बोलते हैं। और उन्होंने जो है ना जमीन स्तर पे ये सब करके भी दिखाया है। जी चलिए, उधर भी बहुत सारे लोग हैं, हम सबसे बात करेंगे, ठंडी का टाइम है, वहाँ आग ताप रहे लोग, आइए हम उनसे बात करते हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सबसे बारी बारी कर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ और क्या जनता मूड बना के बैठी है। क्या नाम है चाचा आपका? चक्रपाल सिंह यादव। अखिलेश यादव का घर है यहाँ पे, क्या चाहते हैं इस बार, किसे देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के दावेदारी? माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी को देखना चाहते हैं। अखिलेश जी को देखना चाहते हैं, योगी पसंद नहीं है क्या चाचा? योगी सरकार से कुछ परेशानी आ गई है। क्या परेशानी आ गई है, कुछ कारण बता दीजिए। एक तो नंबर वन पे कागजी का डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कहते कुछ है करते कुछ है, धरातली कारण नहीं है, विकास कारण नहीं है। यहाँ प्रदेश का गृह जनपद है, इसमें मेडिकल कॉलेज में 70% मेडिकल का कटौती कर दिया था, इससे कोरोना के टाइम काफ़ी मरीजों को क्षति हुई है। अच्छा। दूसरी बात, विकास कार्य के लिए जो करना चाहिए वो विकास कार्य नहीं कर पाए, मतलब अपनी जबान की बोली हुई बातें पूरी नहीं करते। और भी लोग यहाँ मौजूद है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रामपाल है। किसे देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में? युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देख, अखिलेश यादव को ही देखना चाहते हैं, योगी को नहीं देखना चाहते? योगी नहीं, वो युवा है और यहाँ ना तो कोई भर्ती निकाली है, न कोई युवाओं को कोई रोजगार मिला है। क्या लगता है अखिलेश भाई आएंगे तो भर्ती निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, पहले भी निकाली थी और फिर भी निकालेंगे। बदलेगा उत्तर प्रदेश अखिलेश जी के आने के बाद? सब युवा उनसे खुश है, युवा। 2017 में जिस तरह लहर, मोदी लहर आई थी, उसी तरह अखिलेश लहर आ रही है। इसमें मीडिया तथा इस विभाग आप लोग सहयोग देंगे तो, परंतु पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। दूसरी सहयोग नहीं मिल रहा है, मीडिया तो आपके साथ है। दूसरी बात, एक पहले दूसरी बात जो है, इनकी प्रतिबंधी इनके लिए कोरोना है, इनके लिए कोरोना तथा माया विकलों के लिए मीटिंग के लिए कोरोना के प्रोजेक्ट कानून तो जीव एक ही होता है। बुजुर्ग लोगों के जो वोट डलने वाली प्रक्रिया थी उस, वो मैडम जी आपके भी सामने आई होगी, तो ये कुछ भी कर सकते हैं हम। अपने OBC भाइयों से और SC भाइयों से सभी से अनुरोध करते हैं कि इस बार विकास का और देश बचाने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश से देश की का भविष्य तय होता है। मेरा मानना ये है कि जो है ना उत्तर प्रदेश में OBC और SC भाइयों को 69,000 की भर्ती से सीख लेकर, और इलाहाबाद में जो युवा छात्रों को जो उनके जो है ना आवास में घुसकर पीटा है, उनका बदला लेने का ये चुनाव है। ये चुनाव एक अच्छे भविष्य की, उज्जवल भविष्य के लिए चुनाव है। हमारा मानना है कि सभी लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करें और अपने उज्जवल भविष्य की इससे कामना कर सकते हैं। लैपटॉप मिलेंगे और जिससे कि, क्या लग रहा है आपको डिजिटल तरीके से जो चुनाव हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपको भी डर है क्या किसी बात का? है आपको पीड़ित, सभी लोग बेपीड़ित हैं, विश्वास पूर्ण तौर पर विश्वास नहीं हो रहा डिजिटल तरीके से जो चुनाव हो रही है, इसमें भय है आपको? हम चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास रखेंगे, चुनाव आयोग से हमें विश्वास है, उम्मीद है, क्योंकि निरपक्ष चुनाव होंगे और इसी प्रक्रिया में जो है ना किसी भी, जैसे कि एक वो जो है ना बूथ पार्टी को पूरा सस्पेंड किया गया है, तो हम जो है ना
चुनाव आयोग से हम सहमत हैं और जो है ना हमें विश्वास है कि वो इस प्रकार का जो पहले जो हुआ था इस प्रकार का अब नहीं होगा। ये चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अखिलेश जी के घर यानी कि सेफई में लोगों का कहना है कि योगी की जब सरकार आई तो लोगों के साथ भेदभाव होने लगा। कुछ लोगों का कहना है कि उनके साथ जातिवाद हो रही है, कुछ गाने के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं। तो लोग बहुत ही योगी के कार्यकाल से बहुत ही ज़्यादा नाराज लग रहे हैं। इस बार यहाँ की जनता मूड बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी को ही लाना है, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर साइकिल को ही चलाना है। धन्यवाद। बाकी के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।